नमस्कार, हमारे चैनल हिंदी 24 में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन, जो कि परीक्षा में आए हुए हैं और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन शुरू करें इससे पहले हमारे चैनल हिंदी 24 को सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो ज़रूर देखें और कमेंट बॉक्स में कमेंट देना न भूलें। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन। अफीम के पौधे का कौन सा हिस्सा औषधीय महत्व का है? बीज, कच्चे फलों का दूध, जड़, छाल। इस क्वेश्चन का सही आंसर है दो नंबर ऑप्शन, कच्चे फलों का दूध। नेक्स्ट, ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई है डेसिबल, अल्ट्रासाउंड, हेडफोन, ईयरफोन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है एक नंबर ऑप्शन, डेसिबल। ध्वनि को डेसिबल से मापा जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी मिसाइल का नाम नहीं है? पृथ्वी, आर्यभट्ट, त्रिशूल, नाग। इस क्वेश्चन का सही आंसर है दो नंबर ऑप्शन, आर्यभट्ट। नेक्स्ट, रबी फसल का सही युग्मक कौन सा है? गेहूं, चावल, सोयाबीन, सरसों, सरसों चावल, गेहूं, सरसों। इस क्वेश्चन का सही आंसर है चार नंबर ऑप्शन, गेहूं, सरसों। नेक्स्ट, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत कहाँ शिकायत नहीं की जा सकती? पुलिस थाने पर, जिला मंच, राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग। इस क्वेश्चन का सही आंसर है एक नंबर ऑप्शन, पुलिस थाने पर। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू हुआ। इससे उपभोक्ता संरक्षण के लिए जिला मंच, राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग में शिकायत की जा सकती है और उपभोक्ता अपने नुकसान का भुगतान करवा सकता है। नेक्स्ट, पुष्कर का मेला किस तिथि को भरता है? कार्तिक अमावस्या, कार्तिक पूर्णिमा, फाल्गुन पंचमी, आशोज पूर्णिमा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है दो नंबर ऑप्शन, कार्तिक पूर्णिमा। पुष्कर का मेला कार्तिक की पूर्णिमा को भरता है। नेक्स्ट, आभनेरी की चांद बावड़ी किस जिले में स्थित है? एक दोसा, दो जयपुर, भरतपुर, करौली। इस क्वेश्चन का सही आंसर है एक नंबर ऑप्शन, दोसा। आभानेरी की चांद बावड़ी दौसा जिले में स्थित है। नेक्स्ट, मशहूर विमल वसई व लूण वसई मंदिर कहाँ है? आबू पर्वत, आबू रोड, बलोत्रा, रणकपुर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है एक नंबर ऑप्शन, आबू पर्वत। विमल वसई व लूण वसई मंदिर आबू पर्वत पर स्थित है और ये जैन मंदिर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नगरी महाकवि माघ की नगरी के नाम से जानी जाती है? भीनमाल, सिरोही, रणकपुर, आबू। इस क्वेश्चन का सही आंसर है भीनमाल। भीनमाल महाकवि माघ की नगरी के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट, पिछवाई चित्रशैली का मुख्य विषय है युद्ध, राजदरबार, परिणय प्रसंग, श्री कृष्ण लीला। इस क्वेश्चन का सही आंसर है चार नंबर ऑप्शन, श्री कृष्ण लीला। पिछवाई चित्रशैली का मुख्य विषय श्री कृष्ण लीला है। यह शैली नाथद्वारा शैली के रूप में जानी जाती है। मशहूर लोक नृत्य गिद्दड़ किस क्षेत्र से संबंधित है? सेखावाटी, वागड़, मारवाड़, मेवाड़। इस क्वेश्चन का सही आंसर है एक नंबर ऑप्शन, सेखावाटी। गिद्दड़ नृत्य सेखावाटी क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट, लोक देवता गोगा जी का थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे बनाया जाता है? खेजड़ी, बबूल, पीपल, बरगद। इस क्वेश्चन का सही आंसर है एक नंबर ऑप्शन, खेजड़ी। गोगा जी का थान सामान्यतः खेजड़ी वृक्ष के नीचे बनाया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, 6 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। इस क्वेश्चन का सही आंसर है दो नंबर ऑप्शन, 6 वर्ष। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष, 40 वर्ष, 35 वर्ष, 25 वर्ष। इस क्वेश्चन का सही आंसर है तीन नंबर ऑप्शन, 35 वर्ष। नेक्स्ट, अधीनस्थ न्यायालय किस श्रेणी में नहीं आता? सत्र न्यायालय, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की अदालत, राजस्व मंडल, मुंसिफ न्यायालय। इस क्वेश्चन का सही आंसर है अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की अदालत है, वो अधीनस्थ न्यायालय की श्रेणी में नहीं आती। नेक्स्ट, आराम हराम है नारा किसने दिया? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है दो नंबर ऑप्शन,
जवाहरलाल नेहरू। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के अतिरिक्त किस मशहूर व्यक्तित्व का जन्मदिन मनाया जाता है? जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 4 नंबर ऑप्शन, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे थे। नेक्स्ट, राजस्थान में चोलिया जलप्रपात किस नदी पर है? माही, लूनी, चंबल, सोम। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 3 नंबर ऑप्शन, चंबल नदी। राजस्थान में चोलिया जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित है। मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भील जाति का लोक नाट्य है गंधर्व, गौरी, भवाई, रम्मत। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2 नंबर ऑप्शन, गौरी। मेवाड़ में अरावली क्षेत्र में भील जाति का लोक नाट्य गौरी नाट्य है, जो कि प्रसिद्ध लोक नाट्य है, और इसमें शिव और गौरी का नाटक में मंचन किया जाता है। नेक्स्ट, बाड़मेर में तेल की खुदाई करने वाली कंपनी है ONGC, इंडियन ऑयल, केयर्न इंडिया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 3 नंबर ऑप्शन, केयर्न इंडिया। नेक्स्ट, कौन सा निम्नलिखित में से तत्वाधी नहीं है? रावण हता, जंतर, अलगोजा, कमायचा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 3 नंबर ऑप्शन, अलगोजा। नेक्स्ट, राजस्थान का निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है? गेहूं, सरसों, जो चना। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2 नंबर ऑप्शन, सरसों। नेक्स्ट, होहोबा क्या है? पौधा, रोग, कपास की किस्म, यूरोपीय व्यंजन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1 नंबर ऑप्शन, पौधा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ढोला मारो रा दोहा की रचयिता है कवि कल्लोल, मोहनोत नैणसी, बांकी दास, सारंगधर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1 नंबर ऑप्शन, कवि कल्लोल। नेक्स्ट, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च, 30 जनवरी, 30 जुलाई, 1 जनवरी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1 नंबर ऑप्शन, 30 मार्च। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, राजस्थान में लिंबाराम प्रसिद्ध है कबड्डी में, राजस्थान का लिंबाराम प्रसिद्ध है कबड्डी में, कुश्ती में, तीरंदाजी में, गायन में। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 3 नंबर ऑप्शन, तीरंदाजी में। नेक्स्ट, राजस्थान में दूरस्थ शिक्षा के लिए उत्तरदायी विश्वविद्यालय कहाँ है? जोधपुर में, कोटा में, बीकानेर में, जयपुर में। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2 नंबर ऑप्शन, कोटा में। राजस्थान में दूरस्थ शिक्षा के लिए सबसे पुराना और उत्तरदायी विद्यालय विश्वविद्यालय कोटा में है, जो कि वर्धमान महावीर खुला विद्यालय विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, हाल ही में न्यायालय द्वारा किस फिल्म के कलाकार को दंडित किया गया है? संजय दत्त, मोनिका बेदी, सलमान खान, तब्बू। नेक्स्ट, सॉरी, इसका आंसर है 3 नंबर, सलमान खान। एक्चुअल में हमने आपको बताया कि ये क्वेश्चन परीक्षाओं में आए हुए हैं, इसीलिए ये थोड़ा पीछे के हैं। तो ये उस टाइम सलमान खान का जो फिल्म कलाकार का जो दंड का था वो एकदम सीरियस से चल रहा था, इसीलिए क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया था। हाल ही में हुए एशिया कप का हॉकी फाइनल में भारत ने किस देश को हराया? दक्षिण कोरिया, जापान, मलेशिया, पाकिस्तान। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1 नंबर ऑप्शन, दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट, प्राचीन पांडुपोल मंदिर किस जिले में है? अजमेर, जयपुर, अलवर, दौसा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 3 नंबर ऑप्शन, अलवर। नेक्स्ट, राजस्थान में तांबे की खाने कहाँ हैं? जावर, खेतड़ी, कुलायत, गोटन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2 नंबर ऑप्शन, खेतड़ी। नेक्स्ट, राजस्थान में पुरुषों के अनुपात में अधिकतम महिलाओं वाला जिला कौन सा है? डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, सिरोही। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1 नंबर ऑप्शन, डूंगरपुर। राजस्थान में डूंगरपुर एक ऐसा जिला है जहाँ पर पुरुषों के अनुपात में महिलाओं का लिंगानुपात ज़्यादा है, बाकी सभी जिलों में लिंगानुपात महिलाओं का कम ही है, और सबसे कम लिंगानुपात है वो धौलपुर जिले में है। नेक्स्ट, राजस्थान में मीणा व भील के पश्चात तृतीय सबसे बड़ी जनजाति है? सांसी, ग्रासिया, डामोर, सहरिया। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2 नंबर ऑप्शन, गराशिया। नेक्स्ट,
अरावली पर्वत श्रृंखला का ऊंचा शिखर कौन सा है? गुरु शिखर, शेर, रिगड़, जरगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है एक नंबर ऑप्शन गुरु शिखर। अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर है जो कि सिरोही जिले में स्थित है। अरावली पर्वत श्रृंखला की शुरुआत राजस्थान में सिरोही जिले से ही होती है और सबसे ऊंचा भाग भी सिरोही जिले में है। अरावली की सबसे ऊंची चोटियां गुरु शिखर, शेर आदि सिरोही जिले में ही स्थित है। नेक्स्ट, लौंग निम्नलिखित में से क्या है? एक फल का छिलका, फूलों की पत्ती, फूल की कली, कंदमूल। इस क्वेश्चन का सही आंसर है तीन नंबर ऑप्शन फूल की कली। तो ये था हमारा प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान जो कि परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन और बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगे ये हमें कमेंट के रूप में बताएं। आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी संशय हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर करें। हमारे चैनल हिंदी 24 को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।